गाइज, पांच प्रश्नों की श्रृंखला में एक नया वीडियो और जिसे हमने द होम कमिंग लेसन से लिया है। इस लेसन के अन्य प्रश्नों के वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट में हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कृपया जाके देख सकते हो। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज मदर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स फटिक, हुम डिड सी फेवर मोर। फटिक की माँ का उसके प्रति कैसा व्यवहार था, वह किसके पक्ष में ज़्यादा रहती थी। आपको आंसर में लिखना होगा मदर ऑफ फटिक, फटिक की माँ वाज डिस्टर्ब्ड एट एवरी डे, वह प्रतिदिन परेशान रहती थी। कहे से मिसचीफ ऑफ हिम, उसकी खुराफातों से, शरारतों से। शिवाज ट्रस्टेड माखन मोर देन फटिक, वह फटिक की अपेक्षा माखन पर अधिक विश्वास करती थी। एज ही वाज ओबीडियंट क्वाइट एंड गुड इन स्टडीज, क्योंकि वह आज्ञाकारी, शांत और पढ़ाई में अच्छा था। प्रश्न नंबर दो देखते हैं, हु अराइव्ड एट फटिक्स हाउस, फटिक के घर कौन आया था। आंसर लिखना है विशंबर, ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर आर हिज मैटरनल अंकल केम टू फटिक्स हाउस। विशंबर फटिक की माँ का भाई, अथवा ये भी कह सकते हैं आप कि उसका मामा फटिक के घर आया था। ही हैड गॉन अवे टू मुंबई सून आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर एंड हैड नॉट विजिटेड हर हाउस टिल नाउ। वह अपनी बहन के विवाह के तुरंत बाद मुंबई चला गया था, तो हम तब से घर नहीं आया था। नाउ ही हैड कम बैक टू कोलकाता एंड डिसाइडेड टू विजिट हिज सिस्टर्स हाउस। अब वह कलकत्ता वापस आ चुका था तथा उसने अपनी बहन से मिलने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर तीन है, हु वाज माखन चक्रवर्ती, माखन चक्रवर्ती कौन था। हाउ डिड ही स्पॉइल द फन ऑफ दीज बॉयज, उसने इन लड़कों के खेल को किस तरह से ख़राब कर दिया। उत्तर लिखना है माखन वाज द यंगर ब्रदर ऑफ फटिक, माखन फटिक का छोटा भाई था। हु वाज क्वाइट एंड इंटेलिजेंट, जो बड़ा ही शांत और बुद्धिमान था। ही डिसाइडेड नॉट टू अलाउ दीज बॉयज टू रोल द लॉग अवे, उसने ये निश्चय किया कि इन बच्चों को ये लट्ठा जो है इसको वो खिसकाने नहीं देगा। जो लट्ठा था उसको न खिसकाने देने का निश्चय किया उसने। ही सैट डाउन ऑन द लॉग, वो उस लट्ठे पर बैठ गया। एंड इन स्पाइट ऑफ फटिक्स थ्रेट ऑफ थ्रेसिंग हिम, ही केप्ट सिटिंग ऑन द लॉग, और फटिक की चेतावनी के बावजूद भी वह उस लट्ठे पर ही बैठा रहा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, डिड फटिक रियली बीट माखन, क्या फटिक ने सचमुच माखन को मारा था। वाज माखन टेलिंग लाइज टू हीज मदर, क्या माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है नो, फटिक हैड नॉट बीटन माखन, नहीं फटिक ने माखन को नहीं पीटा था। ही हैड ओनली रोल्ड माखन अलॉन्ग विद द लॉग, उसने तो केवल उस लट्ठे के साथ उसको लुढ़कवा दिया था। माखन ओनली स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, माखन ने ही तो उसका फेस नोचा था और उसे लातों से और हाथों से पीटा भी था। यस माखन वाज लिंक टू हिज मदर, इसलिए माखन ही तो अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। विच रियली इरिटेटेड फटिक, और जिसने फटिक को झुंझला बना दिया था, वो झुंझला गया था। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, व्हाई फटिक हैज़ बीन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग, फटिक को अपने समूह का मुख्य नेता क्यों कहा जाता था। उत्तर आपको लिखना है फटिक वाज अ वेरी नॉटी बॉय अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड हु नेवर वेंट टू स्कूल। फटिक अपने ग्रुप में 14 साल का एक बड़ा ही शरारती बच्चा था। हु नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया। ही यूज टू लीड द होल ग्रुप ऑफ सेम एज बॉयज ऑफ विलेज इन कैरिंग आउट
न्यू टाइप ऑफ मिसचीफ एवरी डे। बहुत ही शरारती एक 14 साल का लड़का था जो कभी भी विद्यालय नहीं गया। वह प्रतिदिन अपने गांव के हम उम्र बच्चों का नेतृत्व करता था और नई नई खुराफाते किया करता था। सो ही हैज बीन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।